they are pressed 1 meter apart, P has a mass of 0.1 kg and Q has a mass of 0.3 kg. P and Q attract each other with a constant force of 0.01 newton. No external force acts on the system. Describe the motion of the center of mass at what distance from P's original position to the particle collide. देखो पुत्र, तो हुण जिहड़ा कंसैप्ट तुहानू पता होना चाहिदा है सब तो पहला अगर आपा स्टेटमेंट नू पढ़िए तो थानू पता लग रहा है कि इस प्रॉब्लम च दो पार्टिकल्स इनवॉल्व है ना। उस तो बाद थानू पता लग रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट ते है, ते बाद चो पता लग रहा कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे ते जड़ी फोर्स लगा रहे हैं उदे करके मोशन च आ गया। ठीक है, हुण अगर आपां इन्हां दोनों पार्टिकल्स नूं मिला के सिस्टम मनीए तां ओह सिस्टम बन गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्योंकि बाहरों कोई होर दोनों ते फोर्स नहीं लग रही, एक दूजे वाली फोर्स ही लगा रहे, तो इट मीनस आपां किद्दां सोचांगे इस प्रॉब्लम नूं कि इस प्रॉब्लम दे विच ये जिहड़े दो मासेज है इन्हां तो मिलके बनिया होया सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम दे केस च जिहड़ा सेंटर ऑफ मास हुंदा ना उहदी जिहड़ी वेलोसिटी है वह कॉन्सटेंट रहिंदी है। तो ये जिहड़ी इनफॉर्मेशन है ये आपां नूं थ्योरी तो मिल रही है। मतलब देखो पुत्र, अगर थोड़े सामने एक प्रॉब्लम है जिहदे च दो बॉडीज इनवॉल्व है और दोनों बॉडीज इनिशियली रेस्ट दे है पर आपस दे विच दोनों दी इंट्रैक्शन करके वो मोशन च आ गई हैं, तो इहदा मतलब दोनों नूं मिला के जिहड़ा सेंटर ऑफ सिस्टम बनिया उस सिस्टम दा जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ओदी वेलोसिटी कॉन्सटेंट रहेगी। हुण अगली गल सुनो, जेड़ा सिस्टम है ओदी सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी कॉन्सटेंट रहेगी तो ओदा मतलब है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम रहनी चाहिए। पर उन्हें क्या भी इनिशियली तो दोनों पार्टिकल्स की सी रेस्ट ते। तो हुण एक गल सुन लो, जदों भी दो या दो तो ज़्यादा पार्टिकल्स तो बने हुए सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कढ़नी है तो थोड़े को फार्मूला आया वी सी एम इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री है ना, इधर चलते जाना। मैं दो ले लिखता हूँ, वी वन वी टू शुरू च की है जीरो जीरो है ना, इहदा मतलब शुरू च वी सी एम जीरो है। और क्योंकि ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो चाहे दोनों पार्टिकल्स मोशन च भी आ गए है तामी वी सी एम जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन है साड़ी। दूजी गल, इहदा मतलब जदों थोड़ा सिस्टम आइसोलेटेड है दो पार्टिकल्स तो बनिया तां फाइनली अगर दोनों पार्टिकल्स आपस च मीट करनगे किसी जगह पे कॉमन प्लेस पे तो वो सेंटर ऑफ मास ही होएगा। सो इहदा मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन च असी की दसना कि पार्टिकल्स कित्थे मीट कर रहे हैं, कित्थे करनगे सेंटर ऑफ मास। हुण ये जिहड़ी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इदां भी दे सकदा थोड़े सामने प्रेजेंट कर सकदा कि मान लो दो परसनस है फ्रिक्शनलैस सरफेस से कुछ दूर खड़े है, दोनों ने एक रस्सी पकड़ी हुई है
मतलब रस्सी का एक एंड एक पर्सन ने पकड़े या दूसरा एंड दूसरे ने पकड़े, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस से खड़े है, इदा मतलब वो डायरेक्ट जमीन पे चल नहीं सक रहे, पर वो रस्सी नू पुल करके एक दूजे के नजदीक पहुंच सकते हैं। हुण अगर वो इदा भी कर रहे हैं तां भी वो फाइनली कित्थे मीट करनगे, सेंटर ऑफ मास। तो इदा मतलब होया कि आप इस क्वेश्चन के विच जिहड़ा आंसर लभना वो बेसिकली की लभना, दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास लभना वा। तो ये गल थानू दसी हुई है पुत्र भी, अगर थोड़े सामने दो पार्टिकल्स का बनया होया सिस्टम होए और अगर थानू उन्हां पार्टिकल्स दे विच डिस्टेंस पता होए, तो तुसी उन्हां दोनों पार्टिकल्स तो बने हुए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास दस सकते हैं। तो पहले पार्टिकल दी सेंटर ऑफ मास तो दूरी अगर R1 है तो दूसरे दी R2 है, तो R1 दी वैल्यू m2 R ओवर m1 प्लस m2 है और R2 दी वैल्यू हूँ थानू दोनों पार्टिकल्स दे मासेस देते हैं P एंड Q दे, है ना, दोनों दे विच इनिशियल डिस्टेंस R दिता, तो तुसी R1 R2 कट सकते हैं। और क्योंकि सानू MCQs चार ऑप्शन आनी है तो उस देख लेना भी R1 R2 चो कि वैल्यू करेक्ट आ रही है थोड़ी। लग गया पता। अच्छा एक होर गल सुन लो पुत्र, हुण एक जड़ा फार्मूला है ना, ये फार्मूला तुसी HCl सोडियम क्लोराइड NaCl या कार्बन मोनोऑक्साइड CO ओदे लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ओदे च उन्हें पता की कहना थानू, उन्हें जिदा कहता कार्बन मोनोऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, तो इहदा मतलब M1 कार्बन का मास हो गया तो M2 ऑक्सीजन का मास हो गया, है ना, तो दोनों जी कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल की लंबाई है वो R हो गया, तो तुसी दसो सेंटर ऑफ मास कितने है, तो उत्थे भी ये सेम फार्मूला लग जाना, तो इदा समझना प्रॉब्लम है ना। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अलग अलग सिचुएशन वाली बन जाएं बट कंसैप्ट इको ही होंगे पिछे। चलिए अगे, हूँ लग गया पता, नेक्स्ट बोलो। सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर। नहीं, फिकर की लोड़ ही नहीं अपन ने, जरा कंसेप्ट पहला देखो कुछ, मतलब अगर पुत्र थोड़े सामने एक बॉडी के विचों कुछ रिमूव्ड पार्ट हुए, है ना, कुछ हिस्सा निकल गया हुए तो बाकी हिस्से का सेंटर ऑफ मास दसना हुए, वो किदां करना, तो उदे लिए एक गल बड़े ध्यान ना सुन लो। देखो जब तक स्पेशली स्टेटमेंट दे विच सानू बॉडी दे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिस बारे दसिया नहीं जाता, तो असं उन्होंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही लैके चलते हैं, और किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होंगे। हूँ थोड़ी पूरी बॉडी कि शेप चीगी, डिस्क डिस्क सी ना, तो आप ड्रॉ करते हैं डिस्क, यदा रेडियस कितना डिस्क का, हाँ 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 डिस्क का है,
हाँ एदा एदा 28 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा हुण इहदे चों जिहड़ी छोटी डिस्क निकली उहदा रेडियस किन्ना, और जिहड़ी उह जित्थों निकली है उहदी लोकेशन दसी उहने कुछ एज तों, तो डायग्राम दी लोड़ ही नहीं। हुण इधर देखियो यार, आ है 28 सेंटीमीटर, यही है ना। ते जिहड़ी छोटी डिस्क है उहदा रेडियस है 21 सेंटीमीटर, वो कितना दी बनो फिर। इतना दी बनू कि नहीं, इतना दी कुछ। हुण इहदा रेडियस क्योंकि 21 दिता वा, तो इट मीन्स उहदा जिहड़ा सेंटर है, तो आ हिस्सा 21 है, जबकि आ वाला 28 है। इट मीन्स वड्डी डिस्क दे छोटी डिस्क दे ओरिजिन डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर दा है ना, यही बनया। हुण देखो, हुण देखो, हुण आपां इस प्रॉब्लम नू पता कितना देखना, वड्डी पूरी डिस्क ते जेडी रिमूव्ड डिस्क है ना वो नेगेटिव मास वाला समझना। मतलब जे साडे कोल दो बॉडीज होन तो इहदा मतलब दोनों दे मासिस प्लस प्लस ही होंगे है, क्योंकि मास तो पॉजिटिव ही होंगे। तो आपां उहदा सेंटर ऑफ मास कितना कढ़ते होंगे हाँ, एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ओवर एम वन प्लस एम टू, इदां ही कढ़ते रूटीन च। पर हुण इहदे च ध्यान दईओ पुत्र, जदों भी थोड़े सामने कोई प्रॉब्लम आएगी जिहदे च एक वड्डे हिस्से चो छोटा हिस्सा रिमूव्ड है, तो तुसी पता की करना, जिहड़ा वड्डा वड्डी बॉडी है उहदे ज्योमेट्रिकल सेंटर नूं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासिज यूनिफॉर्म होनी है, तो उहदे ज्योमेट्रिकल सेंटर नूं ओरिजिन मान लेना, तो उहदे कोआर्डिनेट्स बन जाने हैं 0 0। तो जिहड़ा रिमूव्ड पार्ट है उहदा जिहड़ा सेंटर है उदे कोऑर्डिनेट्स की होने हैं 7 0। पता लगा। ते आपां पता की करना, प्रेफर की करना कि दोनों दे सेंटर्स कोशिश करनी है कि आपां अलोंग एक्स एक्सिस ट्राई कर रहे हैं ना, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वाई दोनों दा 0 है। कर लिया काम, वन डायमेंशनल केस। तो हुण एक्स सी एम जदों कढ़ना, वैसे तां असीं एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ओवर आ फार्मूला लाने हैं, पर अगर ना दोनों बॉडीज की डेंसिटीज सेम होन तो आपां मासिज नू हटा के ना एरिया या वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मास की हुंदा जे 3 डायमेंशनल बॉडी है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ते जे 2 डायमेंशनल बॉडी है जिदा थोड़ी डिस्क है तो वो मास हो जाना वा एरिया इनटू डेंसिटी, केड़ी डेंसिटी सरफेस मास डेंसिटी, तो इस करके उत्थे एरिया यूज हो जाएगा। ते जे यही डिस्क की जगह 2 स्फीयर्स होंगे, वड्डे स्फीयर स्फीयर चो छोटा स्फीयर बाहर, फिर वॉल्यूम यूज हो जाने से एरिए की जगह। पर अगली गल हुण इत्थे जिहड़ियां दो बॉडीज है ना पुत, सुन लो, वो किदा मनी आपां वड्डी बॉडी चो हिस्सा जिहड़ा मिसिंग है, तो उस मिसिंग बॉडी नूं आपां की मनिया, नेगेटिव मास। समझ आई गल। तो इस करके उत्थे जिहड़ी मिसिंग बॉडी है उहदे करके जिहड़ा प्लस ए टू नहीं आना, नाल माइनस हो जाना। समझ आई, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनू याद करो। लग गई पता गल। तो जे स्फीयर होंगे फिर ए वन की जगह वी वन वी टू है ना,
इधर आ जाओ। जो तो दो बॉडीज एग्जिस्ट करें, एक में से निकल दिए तो इसके नेगेटिव। हां उठा देख ना, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ -5 7 ਦੇ ਵਿੱਚ -5 ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ बोलो। The density of a rod CD of length L varies as depth. Rho is equal to A plus Bx, where x is the distance from the end C. Find the distance of its center of mass from the end C. फिर देखो पुत्र गाल सुनो। जेडी बॉडी है, अगर ओदा मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होए तो उदा सेंटर ऑफ मास उदा ज्योमेट्रिकल सेंटर सीधे तौर पे आप यूज कर सकते हैं। पर इत्थे हुण ध्यान नाल पढ़ो स्टेटमेंट, ये बॉडी रॉड है, वन डायमेंशनल बॉडी, और एदी डेंसिटी सेम नहीं है, वो एक्स ते डिपेंड करती है। देखो करती है, करती है। तो इहदा सेंटर ऑफ मास नूं कैलकुलेट किदां कीता जाणा, उहदे लई तुहानूं दस्सिया होया, देखो जिथे भी ना नॉन यूनिफॉर्मिटी का कंसैप्ट आ जाए उत्थे असीं पहला समॉल फिर उहनूं इंटीग्रेट करके टोटल वल चलदे हां। हुण हर बॉडी अल्टीमेटली बनी कादी होई है, पार्टिकल्स। जिथे तक सानू बॉडी दे पार्टिकल्स दी कले कले पार्टिकल्स दी मास पोजीशन पता होए उत्थे तक असीं उहनूं कहिंदे आ वी ये डिस्क्रीट सिस्टम है। पर जिथे बॉडी दे पार्टिकल्स एक दूजे दे इन्ना नेड़े होण कि सानू वो इंडिपेंडेंटली नज़र ना आन, फिर आपां उहनूं कॉन्टीन्यूअस सिस्टम कहिंदे आ। कॉन्टीन्यूअस सिस्टम दे नाल डील करन वक्त असीं मान लैंदे आ कि ये सारा सिस्टम समॉल एलीमेंट्स तो मिलके बनिया। हुण जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है उहदे बारे भी तुहानूं दस्सिया होया कि जे आपां वन डायमेंशनल बॉडी नाल डील कर रहे हैं ना तो उहदा स्मॉल एलीमेंट स्ट्रेट लाइन ही होएगी। जे तुसीं सरफेस नाल डील कर रहे हैं तो उहदा स्मॉल एलीमेंट प्लेन शीट होएगी, प्लेन फॉर्म च होएगा। तो जे तुसीं डील कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल बॉडी नाल तो उहदा स्मॉल एलीमेंट क्यूब दी फॉर्म च होएगा। असीं इदां बेसिक स्टडी कर लैंदे हां ना काम नूं। हुण साडे केस दे विच रॉड है, रॉड वन डायमेंशनल बॉडी है ना, तो इहदा जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है वह की होएगा, बहुत छोटा है ना। तो जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है वह तुसीं डायग्राम दे विच जिथे मर्जी हाईलाइट कर सकते हैं, पर इदां दे बहुत सारे एलीमेंट्स पूरी बॉडी च फैले हुए हैं, उन्होंने मिला के ही पूरी बॉडी बनी है। हुण जदों मैं आ गल करदा वी रॉड, तो आ मैं रॉड शुरू करती ड्रॉ करनी, तो इहदी लेंथ मैं दसती भी जो मैनू सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली दसी है एल है। हुण इस रॉड दी सेंटर ऑफ मास लभना, तो सेंटर ऑफ मास लभण दा मतलब हुंदा लोकेशन, तो लोकेशन लई ओरिजन चाहीदा, तो मैं इस एंड नूं ओरिजन मान लिया लैफ्ट एंड। तो हुण मैं जदों इहदे ते समॉल एलीमेंट ड्रॉ करांगा तो मैं आ स्मॉल एलीमेंट हाईलाइट करता। अच्छा तो जिहड़ी स्ट्रेट लाइन हुंदी है ना उहनूं प्रेफरेबली असीं एक्स एक्सिस कहना ज़्यादा बैटर वे समझदे आ, वी आ एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस दे उपर ओरिजन तो अलग अलग पॉइंट्स की दूरी नूं असीं एक्स कोआर्डीनेट नाल दसदे आ। तो आ देखियो पुत्र, आ जिहड़ा पॉइंट है मतलब इस समॉल एलीमेंट का लैफ्ट एंड जिहड़ा वा वह ओरिजन तो कुछ दूर है एक्स, पर जिहड़ा राइट एंड है ना वो एक्स तो थोड़ा जिहा ज्यादा, हल्का जिहा ज्यादा। तो इस करके इहदी जिहड़ी आ लेंथ है वो एक्स प्लस, तो डी एक्स की बन गई, इहदी स्मॉल लेंथ बन गई। जे यही उन्हें क्या होंदा वी वाई एक्सिस है रॉड,
तो फिर वाई ते वाई प्लस डी वाई, तो लेंथ डी वाई हो जानी सी, है ना। तो वो अच्छा हूँ वन डायमेंशनल बॉडी च याद रखो आप एक टर्म यूज करते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी हमेशा के लिए बराबर होती है बॉडी दे स्मॉल एलिमेंट का मास ते स्मॉल एलिमेंट की लेंथ, ये होती है। हुण इत्थे भी उन्हें डेंसिटी क्या है ना, क्या तो वो डेंसिटी का मतलब आप की ले लेना, रॉड की डेंसिटी का मतलब लीनियर मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ। तो थानू इत्थे लैमडा की जगह केड़ा सिंबल दिता उन्हें और उसकी वैल्यू कितनी दी, हाँ जी, तो डीएम कितना आ गया, आ गया ठीक है। हुण रॉड डिस्क्रीट बॉडी है कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, और क्योंकि रॉड वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशनल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स सी एम तो ही पता लग जाना, ठीक है। हुण एक्स सी एम की वैल्यू कितना कटनी कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए, वो याद रखो कि तुसी आ फार्मूला यूज कर एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू करते हैं ना, पर इतने एक्स वन कादे नाल मल्टीप्लाई हो रहा स्मॉल एलीमेंट दे मास नाल, तो स्मॉल एलीमेंट दा मास इनटू स्मॉल एलीमेंट दा एक्स कोआर्डिनेट वो बन गया डी एम एक्स, तो उन्हों इंटीग्रेट करता तो वो बन गई एक तरह की एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री वाला टर्म। तो नीचे डी एम नू इंटीग्रेट करन दा मतलब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मीनस टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो हूँ आ नीचे टोटल मास है और उपर एक्स डी एम, तो हूँ आ डी एम की वैल्यू इतने भी पुट कर देनी है और इतने भी, तो थोड़ा एक्स सी एम की आ जाना पुत्र लिमिट्स आ रही हैं जीरो टू एल। हाँ अलग अलग तो कट ना दियो, ए प्लस बी एक्स कटे गए, ऊपर वाली टर्म है ना इंडिपेंडेंट है नीचे वाले नाल, ऊपर वाले नू सेपरेटली सॉल्व करो नीचे वाले नू अलग करके फिर रेशियो लेना हो जू। हाँ बोलो। A shell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal. At the highest point, it explodes into two pieces of equal masses. One of the pieces retraces its path to the cannon. The speed of the other piece immediately after the explosion. किता है? Center of mass का आगे को. Center of mass के लिए. ये नाल दा किता मिल रहा है? वो जैसे 3 hours. देखो starting छोड़े हैं problems. नहीं नहीं एग्जैक्टली ये भी शायद कराया आप किता है ना, थर्ड ही है, रिपीट हो गया है ना, दो क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट बोलो। Coefficient of restitution.
ये हुण थोड़ा कोलिजन का कंसैप्ट आ गया। देखो बेटा, हाँ देखो, कोलिजन दे गेस्ट आप बिफोर कोलिजन है ये आफ्टर कोलिजन है। तो कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आ नोट करो, और v2 माइनस v1 ये कोई सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, और u1 माइनस u2 भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, तो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बारे सानू पता होना चाहिए। हूँ बड़े आराम दे नाल तू पढ़ स्टेटमेंट, एक एक लाइन रोक के पढ़नी है। बॉडी एक्सेस मोमेंटम बी कोलाइड विद अनदर हाँ एडिटिव रुक जाओ, ये बॉडी तो एक्स विद मोमेंटम बी। आ बॉडी एक्स है, इसकी मोमेंटम है पी। चलो आगे चलो, कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी वाई वन डायमेंशनल बी। हुण ध्यान दियो, इहदा मतलब अगर इहदा मास एम है तो इहदा मास भी एम है, आइडेंटिकल है ना, और ए रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ना। तो हुण अगे चलो, ड्यूरिंग द कोलिजन एक्स गिव्स एन इंपल्स जे इन द बॉडी वाई। हाँ हुण इनू मिल गई इंपल्स, तो जे इनू मिली तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली इनू भी मिलनी है इंपल्स। इंपल्स की है थोड़ी टाइमली फोर्स लगनी है ना। अगे चलो, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हाँ हूँ देखो बेटा, हूँ इंपल्स पता की होंगी है, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम भी होंगी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी होंगी है। ठीक है, हूँ गल नू सुनी जाइए ध्यान नाल। तो सुनो पुत, जिस बॉडी पे आ इंपल्स लग रही है ना, P1 उस बॉडी की इनिशियल मोमेंटम है, तो P2 उस बॉडी की फाइनल मोमेंटम। ठीक है, हुण इस बॉडी की इनिशियल मोमेंटम पता की है, आ जिहड़ी बॉडी है ना इनू असी टारगेट कहने हैं, और इनू असी इंसीडेंट पार्टिकल कहने हैं। तो जे मैं टारगेट की गल करा, टारगेट ते मेरा ध्यान है, ता टारगेट की इनिशियल मोमेंटम जीरो है, समझ गए, ता टारगेट की फाइनल मोमेंटम जी दे बराबर। मतलब आ जिहड़ा टारगेट है यदि फाइनल मोमेंटम जी है, तो फाइनल मोमेंटम जे किदे बराबर है, उदा मास के नाल उदी वेलोसिटी। समझ आई? अच्छा हुण इंसिडेंट पार्टिकल वाला,
इंसिडेंट पार्टिकल दी पी पता की है इनिशियल मोमेंटम। तो अपा अगर इस डायरेक्शन नू पॉजिटिव मानते हैं तो आह ऑटोमेटिकली नैगेटिव हो, तो वन डी दे विच डायरेक्शन प्लस माइनस तो आ जानी है साड़ी। हुण इधर देखियो, हुण आ जिहड़ा इंसीडेंट पार्टिकल है एदी इनिशियल मोमेंटम है प्लस पी और एदी फाइनल मोमेंटम है पी टू और जे दी वैल्यू की लेनी है माइनस जे। पता लग गया क्यों माइनस जे? क्योंकि ये तो इंपल्स की डायरेक्शन उल्ट है, तो इसका मतलब माइनस जे अगर पी टू माइनस पी है तो पी टू की वैल्यू पी माइनस जे हो गई, मतलब यदि मोमेंटम आ गई कि बराबर एम वी वन। ठीक है, हुण इत्थे आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले v2, तो v2 कितना आ रहा j by m माइनस v1 कितना आ रहा u1। इधर देखियो पुत्र, तो u1 दी वैल्यू u2 जीरो है ना, तो आ सारा सॉल्व कर लो। तो m तो गेम चो बाहर हो गया, तो आ दो j है माइनस p ओवर p मतलब आ गया आंसर। नेक्स्ट बोलो। बोलो, सोचो बोल दिया नहीं पुत्र, ऑप्शन दिती है की है और जीरो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਟ ਵੀ ਹੈ,
पानी दे विच है, तो बोट और पानी दे विच फ्रिक्शन लैस है कम, इहदा मतलब टेंजेंशियल टू द वाटर सरफेस, मतलब पानी दे टेंजेंशियली बोट दे उपर कोई फोर्स, तो इहदा मतलब बोट प्लस टू परसनस मिलके की बन गया आइसोलेटेड सिस्टम, समझ गए, जो तीनों मिलके बन गए आइसोलेटेड सिस्टम, तो हुण एक आदमी एक तो दूजी जगह जा रहा, वो मतलब सिस्टम के अंदर ही हलचल हो रही है, बाहरों कोई फोर्स नहीं लग रही, इहदा मतलब की होया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की रहूगी कॉन्सटेंट रहूगी, पर तीनों इनिशियली क्योंकि रेस्ट दे सी, बोट भी रेस्ट दे सी, उच परसन भी रेस्ट दे सी, बाद चो चलना शुरू होया, इहदा मतलब शुरू च सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो है तो बाद चो भी जीरो ही रहनी है, इहदा मतलब सेंटर ऑफ मास जे रेस्ट ते है तो वह शिफ्ट ही नहीं होना, तो फिर शिफ्टिंग कितनी होगी, जीरो, वो पता पुता लग रहा। हाँ जी की पढ़ते हैं, नहीं ना पढ़ते थ्योरी, नहीं नहीं पढ़ी, हाँ पढ़ी होगी, खड़ी करी जाओ, है ना, ये थ्योरी पढ़ूंगे पुत्र बेच, इन्वॉल्व होना पैना, बार बार गल दस रहे हैं तो तुसी सीरियस नहीं उस गल वल, है ना, कारण कुछ भी हो सकता, बट कारण की है फिर एक्सक्यूज ही कही, है ना, बोलो हो गए, चलो हम देखो हम ये जेडे पांच सात नुमेरिकल्स आप सेंटर ऑफ मास दे कीते है ना, तो सारे नुमेरिकल्स ये आले दुआले घूमते हैं बेसिकली, गल कुछ नहीं है। हुन जेड़ा थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन का, उसके बारे आप घट गल की है, तो एक तो पुत थानू दसता कि जदों भी कोलिजन होएगा तो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने लिए, हाँ जी दोनों की नहीं पुत्र, समझो गल नू, जदों भी दो पार्टिकल्स दे विच वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होएगा, मतलब ये हम जो पढ़ते हैं ना तो एक एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होए, वन डायमेंशनल होए, मासेस सेम होन, तो आफ्टर कोलिजन दोनों वेलोसिटीज नू इंटरचेंज कर लेंगे, है ना, तो हुण ये कोलिजन इलास्टिक थोड़ी है, इस करके ये आपां हाँ मासिस चाहे सेम है, हुण अद्धी गल जे याद रहेगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, पूरी गल नाल याद रखनी पएगी ताकि क्लैरिटी रहे, तो इस करके वो बार बार इको चीज़ नू पढ़ूंगे ता जाके क्लैरिटी होनी, उदा नहीं होनी, बहुत वड्डा सिलेबस है, इस गल नू समझो, इस है ना इत्थे जिहड़े न्यूमेरिकल सौखे लग रहे हैं ना उत्थे नहीं पता लगना, क्योंकि बहुत तीनों सिलेबस कट्ठे चलने हैं उस एग्जाम दे विच, तो इस कारण करके इनू मतलब हुण मैनू नहीं पता तुहाडा की शेड्यूल है, किन्ने घंटे पढ़ रहे हैं, किन्ने घंटे पढ़ने हैं सैल्फ स्टडी, हर रोज पढ़ लैने हैं सैल्फ स्टडी, तू भाई पढ़ लैने हैं, स्कूल भी जाने हैं, अच्छा चलो प्रैक्टिकल वाले दिन ही जाओ, हुण घर बैठ जाओ, है ना, तो मतलब ये तां जिहड़ी
टाइम ड्यूरेशन है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी है, इदा नहीं होंगी भी आप कही भी आप 3-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो कल तो मैं 10 घंटे पढ़ लाँगा, वो सिटिंग इदा नहीं चेंज होनी, अबरप्ट चेंज नहीं आनी है ना। बट कोशिश करो भी एक टारगेट फिक्स करके भी आ टॉपिक्स जी थ्यूरी पढ़नी पढ़नी है, फिर आ इन्ने के नुमेरिकल्स करने हैं। तो जेडे आ नुमेरिकल्स तुहानू असाइनमेंट्स दे मैं दे रहा वो एक्चुअली वो उन्हू करते वक्त उन्हू सॉल्व नहीं करना, वो दे बारे ये समझ के करो भी ये गिवन की सी सिचुएशन की बन रही है, तो वो सिचुएशन च आपा सॉल्व सोल्यूशन किदा फाइंड आउट करना, फिर लैसर नुमेरिकल सॉल्व करन तो बाद भी अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है। पर जे उन्हू तुसी लाइक भी नंबर ऑफ नुमेरिकल्स वांग भी सॉल्व किया तो काम मुकाता, फिर नहीं पता लगना, सिचुएशन नू निकालो। हुण जिदा तुहानू दस्या भी एक नुमेरिकल जिहड़ा वा आपां ओह कीता सीगा भी दो पार्टिकल्स आपस च इंटरनल फोर्सिस करके नेड़े आए है ना, तो उही नुमेरिकल दा आपां ओह स्प्रिंग दे नाल भी ओह कह सकदा भी दो परसन है फ्रिक्शनलैस फ्लोर दे उपर चल रहे हैं स्ट्रिंग नू पकड़ के एक दूजे नू, तो उत्थे भी सेम कंसैप्ट लगना। तो इस तरीके नाल अगर उन्हू तुसी देखोगे तो कलैरिटी होनी है, अदरवाइज मुश्किल आती है। हुण लिखो कोलिजन का कंसैप्ट, देखो हुण जदों तुसी कोलिजन दे बारे गल करते हैं ना पुत्र, पहली गल स्टेटमेंट तो थानू पता लगेगा कि ये कोलिजन 1D कोलिजन है जिसनू हेड ऑन कोलिजन कहने हैं के 2D, जिहड़ा 2D कोलिजन है ना वो तो बहुत घट साडे सिलेबस च है, उहदे बारे ज़्यादा आप गल नहीं करते, बट 4-5 क्वेश्चन है क्योंकि IIT वाला काम